हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शो। भी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, और होपफुली ये जो पॉजिटिव नमस्कार है 1 लाख लोगों तक जल्द ही पहुंचेगा। इतने सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, मूवी शूविंस हो जाएंगे, जो पॉजिटिव बातें करेंगे मूवी के बारे में, जैसे अभी हम करने वाले हैं। तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ, एक इस तरीके की मूवी है जो फ्यूचर टेंस में आपको लेके जाने वाली है कि फ्यूचर टेक्नोलॉजीज अगर आज हो जाएंगी तो किस तरीके से जो आदमी है वो या तो आदमी बना रहेगा या फिर वो शैतान हो जाएगा, यानी पृथ्वीराज का कैरेक्टर्स, और कैसे ये जो दो महानुभाव हैं टाइगर श्रॉफ और साथ साथ में अक्षय कुमार, किस तरीके से उसको सेफगार्ड करेंगे ह्यूमैनिटी को। तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो हैं वो मतलब एक्शन स्टार्स तो हैं ही अपने अपने रेलम के अंदर, बट इकट्ठे मिलके क्या कुछ तिगड़म करेंगे वो आपको देखने को मिलेगा। पहले इस डांस स्टेप्स का कहीं ना कहीं थोड़ा सा मजाक उड़ाया गया कि भाई ये नाटो नाटो सॉन्ग का थोड़ा रेप्लिका लग रहा है, बट नहीं है। ये फ्रेंडशिप के जोन के अंदर जरूरी है। वेर एन वन पर्सन इज कॉम्प्लीमेंटिंग द अदर, देयरफॉर द स्टेप्स आर ऑल्सो कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। तो उस तरीके के स्टेप्स हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं एक यंग बंदे के लिए, यानी टाइगर श्रॉफ के लिए जो कि अच्छा डांसर है उसके लिए आसान है। थोड़ा सा जो मिड 50s का बंदा होगा उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट जो एलिगेंस चाहिए था, जो प्रोवेस चाहिए था डांस करने के लिए, एनर्जी चाहिए थी, वो अक्षय कुमार ने दिखाया। अब टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो ये काफ़ी ज़्यादा कलरफुल गाना है, जो एनर्जी भी अच्छी है इस गाने के अंदर, और जिस तरीके से इसको किया गया अगर आप नोटिस करोगे तो बहुत सारे कट्स हैं इस गाने के अंदर। तो थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन टाइम भी मिला अक्षय कुमार को, ताकि ही कैन मैच अप टू ऑल द स्टेप्स एंड ग्रेसफुली सो। तो वो एक अच्छा चीज़ मुझे लगा कि एक इंटेलिजेंट तरीके की इसके अंदर कैमरा वर्क है और एडिटिंग है, तो वो एक काबिले तारीफ है। क्या ये गाना बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है? आई वुड से ये आया गया टाइप सॉन्ग होगा, और मैं कल भी एक अपनी डिसअपॉइंटमेंट थोड़ा सा एक्सप्रेस कर चुका हूँ कि ये मूवी से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि जिस जोन के अंदर ये है, जो ये बातें कर रही है, वो बहुत अलग बातें हैं, फ्यूचरिस्टिक की बातें हैं, और इसको अलग तरीके से मार्केट करना चाहिए था। इसको ऐसे मार्केट नहीं करना चाहिए टेक्निकली स्पीकिंग, इसको आपको कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा लेके आना चाहिए। सिर्फ बैक टू बैक गाने दिखा के, और दो गाने हैं जो आए हैं वो ऑलमोस्ट सेम जोन के अंदर हैं, तो वो ज़्यादा बात बनती नहीं है। तो बट लेकिन अगर मैं सिर्फ स्टैंड अलोन गाने की बात करूँ, चाहे एंड में आएगा चाहे इन बिटवीन आएगा, उस टाइम पे एज ऑडियंसेस जिन्होंने बहुत टाइम से कोई मास मूवी नहीं देखी है, उनको मज़ा तो आएगा देखते हुए, और अक्षय कुमार की एनर्जी भी मैच करती है। एक चीज़ की थोड़ी सी और डिसअपॉइंटमेंट है कि कलर कॉन्ट्रास्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो ज़्यादा कैमरा फोकस जो है वो आपको टाइगर श्रॉफ पे जाता हुआ दिखता है, क्योंकि बहुत सारे डार्क कपड़ों में एक वाइट कपड़ा उन्होंने पहना हुआ है, तो जो वाइट होगा, जो कॉन्ट्रास्ट होगा, वहाँ नज़र ज़्यादा जाती है, और कहीं ना कहीं कैमरा भी उन पर ज़्यादा जा रहा है। जबकि मेन लीड जो है यहाँ पर, जिस पर ज़्यादा फोकस जाना चाहिए था, जैसे वॉर के टाइम पर ऋतिक रोशन पर गया था, यहाँ अक्षय कुमार के ऊपर जाना चाहिए था। तो ये कैमरा की प्रॉब्लम कंसिस्टेंटली है, ये ट्रेलर से चली आ रही है, टीजर से चलती चली जा रही है, कि कैमरा जो है ज़्यादा टाइगर श्रॉफ पर फोकस कर रहा है। इसको थोड़ा अक्षय कुमार के ऊपर लेके जाना होगा, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपने भी ये बात नोटिस करी तो यस करके जरा कमेंट बॉक्स में डालो। बाय बाय।